विश्व योग दिन के उपलक्ष्य में शहर के पुरानी हाईकोर्ट इमारत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में योग दिन मनाया गया। योगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग और उसके महत्व को समझते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। लंबी उम्र के लिए योग करना बेहद जरूरी है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमति से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। इस साल भी कोरोना के संकट में पूरे देश में विश्व योग दिवस सादगी से मनाया गया। शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में पुरानी हाईकोर्ट इमारत में योग दिन मनाया गया। इस समय नितिन गडकरी ने योगा के फायदे बताते हुए सभी के साथ योग भी किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।